हेलो फ्रेंड्स, मैं एक फेस वॉश वीडियो लेके आई हूँ। ये पिंपल्स को कम करता है, उसके होने वाले दाग को भी कम करता है। इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच बेसन। बेसन हमारे फेस को ब्राइटन करता है और ये स्क्रब का भी काम करता है। हम इसमें 1/4 हल्दी मिलाएंगे, मतलब कि अगर हमने 4 चम्मच बेसन लिया तो 1 चम्मच हल्दी और बेसन का हाफ मुल्तानी मिट्टी और हाफ ही बेसन का सैंडलवुड पाउडर, मतलब कि 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 2 चम्मच सैंडलवुड पाउडर। अब इन सबको हम आपस में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने बाद ये हमारा फेस वॉश रेडी है। इसे एक खाली कंटेनर में हम भर लेंगे और जब यूज़ करना होगा तो 1 चम्मच पाउडर में हम उसके अकॉर्डिंग पानी मिला के एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को हम अपने फेस पे हल्के हाथों से मसाज करेंगे। पहले हम इस पेस्ट को अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। लगाने के बाद इसे हल्के हाथों से हम मसाज करेंगे। मसाज करने से ये हमारे फेस को स्क्रब भी करेगा और उसे डेड स्किन रिमूव करेगा। बेसन हमारे फेस पे स्क्रब का काम करता है। हल्दी एक एंटीबैक्टीरियल तत्व है जो कि पिंपल्स को रोकता है, उसे कम करता है। मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और सैंडलवुड पाउडर जो भी डार्क स्पॉट्स है उसे रिमूव करने का काम करता है। इसे अपने फेस पे लगा के 10 मिनट रहने दें और फिर पानी से वॉश कर लें। वॉश करके हम इसे पैड ड्राई कर लेंगे। अपने फेस को अच्छे से हम सुखा लेंगे। सुखाने के बाद आप टोनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ गुलाब जल ले रही हूँ। गुलाब जल को मैं एक कॉटन पैड पे लेके और अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। अगर आपको पिंपल्स हैं तो आप पिंपल्स को धीरे धीरे से क्लीन कर लें, ज़्यादा रगड़े नहीं तो उसमें से ब्लड आ सकता है। गुलाब जल लगाने के बाद मैं यहाँ होममेड सीरम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी और अप्लाई करने के बाद इसे अच्छे से मसाज करूँगी। मसाज करने से मेरा फेस हाइड्रेट हो जाएगा। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, इसे ज़्यादा शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ।